भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे उमराव सिंह को रविवार को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से भेजा गया सम्मान पत्र व शॉल रोहतक के SDM राकेश कुमार को भेंट किया। SDM ने खुद रोहतक के निगाना गांव में जाकर स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित किया और राष्ट्रपति का संदेश दिया। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। कद भर्ती होया कि कौन कौन सी लड़ाई लड़ी अपना बारे में बता दे एक बार। 40 भर्ती हुआ था, 6 भेजा इंटरनेट करी, फिर जब था41 बोले 47 गए। चालीस में जाकर हमने नेता जी एरिए बुलाया, फिर आयर के सब सिंगापुर ले लिया, उधर जापानिया जब पहुँच खड़ी के लिए बस ज़्यादा सांस उठ गया। वो एक तो मेमोरी कम होगी। मेरा नाम विक्रम यादव है और मैं जो अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका ग्रैंडसन हूँ। ठीक है, तो दादाजी जो हमारे हैं हमें उन पर बहुत गर्व है कि वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है और हम एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो दादाजी जो हैं 1923 के अंदर उनका जन्म हुआ और 1940 के अंदर उन्होंने फौज ज्वाइन की और जैसे ही फौज ज्वाइन हुई उनको सिंगापुर के लिए भेज दिया गया समुद्री जहाज के रास्ते। तो वहाँ पर जाते वक्त भी उन्होंने बहुत कठिनाई सामना करना पड़ा, जहाँ पर जैसे वो गए वहाँ मोर्चा संभलवा दिया गया और उनके लड़ने के लिए तैयार किया गया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इन्होंने हथियार उठाने से मना कर दिया। वो इन्होंने शर्त बताई कि जैसे जैसे हम अपने हिंदुस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे अगर कोई दिक्कत आती है कोई तो वो फेस नहीं करनी पड़े। तो जैसे अंग्रेज वालों ने मना कर दिया इस बात के लिए, तो जैसे सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ से आए, उसके बाद उनके चाचा रास बिहारी बोस थे, उन्होंने लेक्चर किया ताकि इनको उत्साहित किया लड़ने के लिए और ये लड़े वहाँ पर। वहाँ से लड़ते लड़ते बर्मा तक पहुँचे, बर्मा बमबारी बहुत ज़्यादा थी, इन्हें कुछ सैनिक भी मरे, इन्हें जख्मी भी हुए। उसके बाद सिंगापुर जेल के अंदर इनको डाल दिया गया, 6 महीने 7 महीने करीब इनको सिंगापुर जेल के अंदर भी रहना पड़ा। तो उसके बाद आज़ाद हो गए। जैसे ही फिर उन्होंने एक बात और भी रखी लड़ाई होने ख़त्म होने के बाद, कि इनसे पूछा गया कि आप कैसे लड़ाई में आए, तो जिन लोगों ने ये बोला कि हम तो भाई ज़बरदस्ती लाए गए थे यहाँ पर लड़ने के लिए, तो उनको कुछ ज़मीन का हिस्सा दे के उनको छोड़ दिया गया। और जिन्होंने जैसे दादाजी हैं इन्होंने और इनके अलावा कुछ और भी थे, उन्होंने बोला कि हम देश के लिए लड़े हैं, तो उनको कोई भी जैसे मुरब्बा बोलते हैं पुराने टाइम पर बोलते थे, ज़मीन का हिस्सा नहीं दिया गया और इनको कुछ यातनाएं दी गई और बाद में वहीं से रिहा कर दिया गया। तो हमें इस बात का बहुत गर्व है कि आज एक सम्मानित जैसे DC आते हैं, CM साहब आते हैं और किसी गांव के अंदर आके किसी एक स्पेशल एक पर्सन को घर पर आके सम्मानित करते हैं, इससे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। ठीक, तो हम इनके मतलब भगवान से भी ज़्यादा पूजनीय और आभारी हैं हमारे। ठीक ठीक सर, अभी मैं अपने स्वतंत्रता सेनानी उमराव सिंह जी उनको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति की तरफ, क्या कहना? आज महामहिम राष्ट्रपति भारत की तरफ से एक साल और अंगवस्त्रम भेजा गया था स्वतंत्रता सेनानी के लिए, जो आज हमने इनको प्रस्तुत किया और उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि उन्हीं लोगों के बदौलत हम आप जो ये खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते हुए और हमें आज़ादी दिलवाई थी। तो हम इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को उनके कार्यों के लिए नतमस्तक हैं और प्रणाम करते हैं, सलूट करते हैं कि उनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हमारा देश आज़ाद है। ठीक है।